मिस्टर रावत के घर से सनाया से रिश्ता तोड़कर जब दीपक मल्होत्रा ने अर्जुन को गोल्डन विला में छोड़ा, तब उसे अचानक किसी लड़की की मदद के लिए चीख सुनाई दी और अर्जुन ने जसप्रीत को गुंडों से बचाया और जसप्रीत ने अर्जुन को अपना नाम प्रीत बताया। अर्जुन ने जिस तरह से गुंडों से प्रीत को बचाया और उसके पैर की मोच को कुछ ही मिनट में अच्छा कर दिया, जसप्रीत उसे अपना दिल दे बैठी। गोल्डन विला पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि उसका सामान ऑलरेडी पहुंच चुका था। फ्रेश होकर बेड पर अपना लैपटॉप निकाल कर बैठा और खुद से बातें करते हुए कहा, चलो एक रिश्ते से तो पीछा छुड़वाया है, मेरी तरफ से तो मैं मना कर चुका हूं, अब बस दो रिश्ते बचे हैं, काश बाकी दो लड़कियां सनाया जैसी हों और खुद ही रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अब पहले मुझे किससे मिलना चाहिए? कुछ सोचते हुए उसने आगे कहा, उस आर्मी ऑफिसर से मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, तो पहले इस राणा ग्रुप की सीईओ से मिल लेते हैं। ये सोचते हुए जब अर्जुन ने राणा ग्रुप के बारे में गूगल किया तो इन्फॉर्मेशन पढ़कर हैरान रह गया। राणा फार्मास्यूटिकल कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर एक लीडिंग कंपनी थी और कम से कम इंडिया का 30% मार्केट कवर करती थी। अगले दिन अर्जुन सुबह मिस राणा से मिलने के लिए राणा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए निकल गया। जब टैक्सी ऑफिस के सामने रुकी और उसने सिटी सेंटर में बड़ी सी ऑफिस बिल्डिंग को देखा, उसने एक गहरी सांस ली और टैक्सी से उतरकर सीधे एंट्रेंस पर आ गया। गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, आपको किससे मिलना है, क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? अर्जुन ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन मेरा आपके। इससे पहले अर्जुन कुछ कहता उसे तेज गाड़ी के आने की आवाज सुनाई पड़ी। अर्जुन ने पलट कर देखा तो एक ब्लैक स्पोर्ट कार बहुत तेजी से ड्रिफ्ट करती हुई गेट के बिल्कुल सामने आ गई थी। अर्जुन ने तुरंत गार्ड को अपनी तरफ खींच लिया, वरना वो गार्ड उस गाड़ी के सामने आ जाता। एक पल के लिए सब उस कार की तरफ देखने लगे। उस गार्ड ने ग्रेटफुल होकर कहा, थैंक यू सो मच सर। अर्जुन ने बस सर हिलाया और फिर गुस्से में स्पोर्ट्स कार की तरफ चल दिया। उसे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता था जो अपनी और किसी और की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। उसी वक्त गाड़ी का विंडो ओपन हुआ और अर्जुन को तेज विस्की की स्मेल आई। गाड़ी के अंदर से करीब 25 साल के एक आदमी ने बहुत रूड आवाज में गार्ड से कहा, जल्दी गेट खोलो, मुझे अंदर जाना है। गार्ड तो पहले से ही इस आदमी पर नाराज था, लेकिन फिर भी उसने रिस्पेक्ट से कहा, मिस्टर कंपनी के अपने रेगुलेशंस हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती और आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। उस आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, लेकिन मेरी गाड़ी तो अंदर जाएगी और तुम खुद मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अप्रूव करोगे। मेरा नाम गौरव है और मेरे डैड इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब जल्दी से गेट खोलो। गार्ड ने आगे कहा, सर ये कंपनी का रूल है, गाड़ी अंदर ले जाने के लिए सबको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यह सुनकर गौरव बहुत गुस्से में आ गया। उसने जोर से गाड़ी का गेट खोला और बाहर आकर तेजी से सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंच गया। वो अपना हाथ उठाकर गार्ड को जोर से मारने ही वाला था कि अर्जुन ने बीच में ही उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और हल्की से स्माइल के साथ कहा, आप बिना वजह किसी पर हाथ नहीं उठा सकते, ये गार्ड अपना काम कर रहा है। गौरव ने अपना हाथ खींच लिया और जोर से अर्जुन को धक्का देते हुए कहा, और तू कौन होता है ये बताने वाला, किसी और के पंगे में टांग अड़ाना ज्यादा पसंद है तुझे? तो फिर पहले मैं तुझे ही देख लेता हूं, इस गार्ड की खबर मैं बाद में लूंगा। ये कहते हुए गौरव ने अर्जुन पर हाथ उठाना चाहा, तो अर्जुन ने कसकर गौरव का हाथ पकड़ा और उसी के हाथ के पिछले हिस्से से गौरव के गाल पर जोर का तमाचा मार दिया। गौरव का चेहरा लाल पड़ गया था। उसने एम्बेरस होकर गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा कमीने, दम हो तो यही रुक। ये कहते हुए उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक के बाद एक 3-4 कॉल करने शुरू कर दिए। धमकी सुनकर अर्जुन अब अंदर जाने के बजाय स्माइल करते हुए हाथ फोल्ड करके बाहर ही खड़ा रहा। कुछ ही देर में 4 महंगी कारें राणा ग्रुप की ऑफिस के सामने खड़ी थी। उन गाड़ियों में से गौरव के 4 फ्रेंड्स उसके पास आ गए। उनमें से एक ने कहा, गौरव कौन है वो जिसकी अकल ठिकाने लगानी है, किसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? गौरव ने एविल स्माइल करते हुए अर्जुन की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, इसे दूसरे के काम में दखल देने में बहुत मजा आता है, इसे जरा सिखाओ कि अगली बार जब गौरव गुप्ता को देखे तो कैसे बिहेव करना है। गौरव के एक दोस्त ने कहा, अच्छा तो ये फटीचर लड़का है जिसके पर निकल आए हैं, उसने अर्जुन की तरफ बढ़ते हुए कहा।
क्यों बे, तुझे पता है कि गौरव गुप्ता कौन है? अर्जुन ने सार्कास्टिक होकर कहा। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता, गौरव के दोस्त ने बाकी तीनों से कहा। इस लड़के में कुछ ज्यादा ही अकड़ है, इसकी हड्डी पसली टूटेगी तब ये झुकना सीखेगा। अर्जुन अभी भी बिना डरे स्माइल करते हुए सबको देख रहा था, जिससे गौरव का गुस्सा और बढ़ गया था। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम लोग बातें क्या कर रहे हो, मारो इस साले को। ये सुनकर गौरव के दोस्त अर्जुन के करीब आए ही थे कि पीछे से उन्हें एक लड़की की सख्त आवाज सुनाई पड़ी, स्टॉप इट राइट नाउ, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो। ये सुनकर सबने पलट कर उस आवाज की तरफ देखा। एक लड़की फॉर्मल कपड़ों में हाई हील्स पहने उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। उसका स्ट्रॉन्ग ऑरा देख बाकी लोग एकदम शांत हो गए थे और गौरव के चेहरे पर भी टेंशन नजर आने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान अर्जुन था। उसने उस लड़की को देखते ही मन में कहा, अरे ये तो प्रीत है, ये यहां क्या कर रही है। गौरव ने आगे बढ़कर फ्लर्टिंग स्माइल करते हुए कहा, मैम आप यहां नीचे क्यों आ गई। जसप्रीत ने जवाब में स्ट्रिक्टली कहा, और तुम गौरव, तुम्हारा यहां क्या काम और ये कंपनी के सामने तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। गौरव ने तुरंत अर्जुन की तरफ उंगली दिखाकर ब्लेम करते हुए कहा, ये लड़का कंपनी के गेट पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसीलिए मैं अपने दोस्तों को बुलाकर इसे सबक सिखा रहा था। जसप्रीत ने अपने हाथ फोल्ड करते हुए स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहा, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि ये कोई बॉक्सिंग रिंग या जंग का मैदान है जो तुमने यहां मारपीट करने के लिए अपने दोस्तों को बुला लिया। ये सुनकर गौरव ने सक पकाते हुए कहा, नहीं मैम मैं तो बस। उसका इतना कहना था कि जसप्रीत ने जोर से चिल्लाकर कहा, जस्ट शट अप, मैं अभी कुछ क्लाइंट्स को सी ऑफ कर रही थी और लॉबी से मैंने सब कुछ देख लिया कि किस तरह तुम्हारी गाड़ी कंपनी के गार्ड को टक्कर मारने वाली थी, और इतनी देर से यहां क्या तमाशा चल रहा था, ये कंपनी है, यहां शरीफ लोग काम करते हैं। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड सो गेट द हेल आउट ऑफ हियर। ये सुनकर गौरव अपने दोस्तों के सामने बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में जसप्रीत के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी, लेकिन वो किसी भी हालत में जसप्रीत से बहस करने की गलती नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप सॉरी बोलकर अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। लेकिन जाते जाते उसने अर्जुन की तरफ देखकर मन ही मन कहा, यह सब इस लड़के की वजह से हुआ है, इसकी तो आज खैर नहीं। अर्जुन जसप्रीत के इस स्ट्रांग रूप को देखकर बहुत हैरान था। गौरव के जाने के बाद जसप्रीत ने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखकर जेंटली कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैंने देखा कि तुमने कैसे गौरव को अंदर आने से रोका, वेरी गुड जॉब। मैं तुम्हारे सुपरवाइजर से बात करूंगी और इस महीने तुम्हें बोनस भी देने के लिए कहूंगी। नाउ यू कैन गो बैक टू योर पोस्ट। गार्ड ने एक्साइटेड होकर कहा, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गार्ड के जाने के बाद जसप्रीत ने एक्साइटमेंट छुपाते हुए अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तुम यहां कैसे। अर्जुन ने कंफ्यूजन में कहा, वो छोड़ो, ये बताओ तुम यहां कैसे, गार्ड तुम्हें मैडम कहकर बुला रहा था, तो क्या तुम ही सीईओ जसप्रीत राणा हो। अर्जुन की बात सुनकर जसप्रीत ने मन ही मन एक नया प्लान बनाया और झूठ बोलकर एक्सप्लेन करते हुए कहा, अरे नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मेरा नाम प्रीत राणा जरूर है, लेकिन मैं बस एक सेक्रेटरी हूं, कंपनी की सीईओ तो जसप्रीत मैडम है, लेकिन तुम यहां क्या करने आए हो। अर्जुन ने जवाब में जसप्रीत को बचपन में शादी के रिश्ते जोड़ने से अभी तक रिश्ता तोड़ने की सारी कहानी सुना दी। रिश्ता तोड़ने की बात सुनकर जसप्रीत की आंखों में एक अलग ही इमोशंस थे जो अर्जुन ने नोटिस नहीं किए। जसप्रीत ने जवाब में कहा, ओह तो तुम ही हो वो अर्जुन सिंह जिससे मैम का रिश्ता तय हुआ था, तो फिर चलो मैं तुम्हें उन्हीं के पास ले चलती हूँ, लेकिन मैं पहले कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म कर दूं। अर्जुन ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, थैंक यू प्रीत। जसप्रीत उसे अपने साथ प्राइवेट लिफ्ट में ले गई। अर्जुन की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में थोड़ी शर्म और थोड़ी कनिंगनेस नजर आ रही थी। उसने मन ही मन सोचा, थैंक गॉड ये मेरे झूठ को सच मान गया कि मैं सीईओ नहीं सेक्रेटरी हूं। वैसे जब तक इसे पता चलेगा कि मैं ही रियल जसप्रीत हूं, तब तक मैं अपना काम कर चुकी होंगी। कुछ ही देर में जसप्रीत अर्जुन के साथ उसे सीईओ के केविन के पास ले गई और उसे वहां रिसेप्शन के पास रुकने को कहा और वहां से चली गई। इन दो मिनट में जसप्रीत ने अपनी जगह अपनी ही सेक्रेटरी को सीईओ बना दिया और अर्जुन को अपने साथ केविन में ले आई। केविन के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी। अंदर आते ही जसप्रीत ने रिस्पेक्ट से कहा, मैम मिस्टर अर्जुन सिंह आपसे मिलना चाहते थे। सामने चेयर पर बैठी हुई लड़की ने कहा, हेलो अर्जुन, आई वॉज वेटिंग फॉर योर अराइवल। अर्जुन ने हल्की सी स्माइल के साथ हेलो कहा और चेयर पर बैठ गया। सामने बैठी लड़की ने एक नजर जसप्रीत को देखा जो अर्जुन के पीछे से उसे इशारा कर रही थी, और फिर उसने अर्जुन की तरफ देखकर कैजुअली कहा,
आई एम जसप्रीत राणा, सीईओ ऑफ द कंपनी। देखो, मैं घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं करती मिस्टर सिंह। तुम्हारे आने की वजह शादी है ना, तो फिर तुम्हें घर आना चाहिए था। अर्जुन ने हां में सिर हिलाते हुए सीरियस होकर कहा, मैडम मैं यहां शादी की बात करने नहीं बल्कि रिश्ता तोड़ने आया हूं। और लेकिन मिस राणा ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन यह रिश्ता मेरी फैमिली ने किया था और मैं उनकी मर्जी के अगेंस्ट नहीं जा सकती। अगर मैं ये रिश्ता तोड़ती हूं तो मैं अपने परिवार को क्या जवाब दूंगी। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, ये आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है, लड़कियां इतनी अजीब क्यों हो गई हैं? एक तरफ सनाया है जो अपने डैड की सुनना नहीं चाहती और दूसरी तरफ ये सीईओ है जो इतनी बड़ी कंपनी हैंडल करती है लेकिन अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती। अर्जुन ने अपने माथे पर हाथ रगड़ते हुए कहा, मिस राणा ये रिश्ता हमारे परिवार ने किया था लेकिन हमारी तो कोई रजामंदी नहीं थी ना इसमें। मैं पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं, इसीलिए ये रिश्ता तोड़ने आया हूं। मिस राणा ने जवाब में कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन दोनों परिवारों के वचन का क्या? अर्जुन ये सुनकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैसे ये शादी कैंसिल करने के लिए वो राणा को मनाए। मिस राणा ने आगे सोचते हुए कहा, तुम्हें इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है फिर तुम इस शादी के लिए रेडी क्यों नहीं हो? तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता तो इतना अच्छा रिश्ता कभी कैंसिल नहीं करता। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, वजह एक नहीं बहुत सारी है मैडम, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता। आप प्लीज अपने घर वालों से भी इस बारे में बात कर लीजिए। मिस राणा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अचानक से रिश्ता तोड़ना तो नामुमकिन है मिस्टर अर्जुन। अब या तो तुम इस महीने मुझसे शादी कर लो या फिर एक साल तक मेरी कंपनी में काम करो। अगर एक साल में तुम्हारा इरादा नहीं बदला तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। कहो क्या कहते हो? यह सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया, एक महीने में शादी या रिश्ता तोड़ने के लिए उसे राणा ग्रुप में एक साल तक काम करना होगा। अर्जुन को रिश्ता तोड़ने के लिए रखी गई शर्त मंजूर होगी या फिर वो कोई और तरीका आजमाएगा, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।